मैं आपसे कर रही हूं, आपने मुद्दा बनाया प्रधानमंत्री मां नहीं बोलते महंगाई का, बोल दिया प्रधानमंत्री ने, मां भी बोल दिया और न तक ले गए, एम से एन तक ले गए, पंडित नेहरू का भी जिक्र कर दिया, इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया, और एक बारगी सच लगता है कि भाई 74 में थी 28% महंगाई दर। क्या करें, प्रधानमंत्री का सीना सिर्फ बोलने पर ही 56 इंच का है, कृति में तो जीरो है। मुझे एक बात बताइए, आपने 1974 की बात की, 71 का वार हो गया था, हमने दो टुकड़े पाकिस्तान कर दिए थे, वो इतिहास सबके सामने है, लेकिन 74 का आपने सबसे पहला ऑयल शॉक नहीं बताया। 400% से ऑयल की कीमतें बढ़ी थी। सेकंड शॉक आया था 1979 में, तब भी 400% से क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी। और तीसरा शॉक आया था कुवैत वॉर के वक्त 1989 के, तो उसका एक इंपैक्ट था। अभी महंगाई पे इंपैक्ट, हम कितना पेट्रोल कितना कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं उसका इंपैक्ट कितना है, और मोदी जी के जमाने में कितना हुआ, ये मैं आपको बता दूं। जब 2014 में सरकार हमने छोड़ी थी तब $112 प्रति बैरल था, आपने 107 बताया, दो चार दिन के रेट कम ज्यादा होते हैं। मोदी जी जब सत्ता में आए तो ये नीचे आते आते $18 तक, हमने कोविड में भी देखा था, इसका एवरेज आज भी $60 के ऊपर नहीं है। लेकिन उस वक्त व्यवस्था क्या है, अवस्था यह है कि तब हम जो एक्साइज लगाते थे पेट्रोल पे, डीजल पे, और एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हुआ करता था, उसमें हम 3.46 रुपया, 9.56 रुपया और 1 रुपया था, इतने ही टैक्सेस थे। अब इन्होंने क्या किया, उसको 31 रुपया 92 पैसे और 32 रुपया 91 पैसे तक इन्होंने बढ़ा दिया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को उन्होंने 1 रुपया से 18 रुपये तक बढ़ा दिया। 2019-20 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक नया सेस लाया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो 2 रुपया और 4.5 रुपये डीजल पेट्रोल पे था। तो महंगाई जो है वो कैसे इंड्यूस्ड है, सरकार ने कैसे लाई, क्योंकि हमको तो इंपोर्ट सस्ता मिल रहा था, हम तो 80% जो है वो इंपोर्ट करते कच्चा तेल, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी पर, वो कैस्केडिंग इफेक्ट से तो ये बच गए थे, लेकिन इन्होंने उससे पैसे करीब करीब 35-40 लाख करोड़ जो है आम आदमी के जेब से निकाल दिए। फिर उन्होंने जीएसटी लाई, सिंपल सरल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स ऐसा उसको डिफाइन किया था। अब देखो इन्होंने क्या क्या किया, कृषि औजार, खाद, कीटनाशक, सब पे जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर हालांकि कोई मर्सिडीज नहीं है, पोर्च कार्ड भी नहीं है, शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाया, और औरतें और आपने सब बता दिया, खाने पीने का, दूध दही से जो भी है बता दिया। इन्होंने अंतिम संस्कार के जो सामान है उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो लगा दिया। अभी देखिए तीसरी बात, इनके दोस्त उनकी भी सेवा करनी पड़ती है प्रधानमंत्री जी को। अदानी जी का आज ही एक नया खुलासा है, जो राहुल गांधी जी ने पहले ही किया था, जो निम्न श्रेणी का, निम्न दर्जे का, लो ग्रेड कोल जो है, जो इंडोनेशिया से आते हैं, इसी इतने गरीब कल्याण योजना जो है अदानी अंबानी की, जो प्रधानमंत्री चलाते हैं, उस गरीब कल्याण योजना के तहत 12,000 करोड़ का बेनिफिट जो है वो अदानी जी ने उठाया, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ? ठीक है अतुल, एक सेकंड अतुल, आपने कह ली अपनी बात, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ, नहीं मैंने, प्रधानमंत्री गलत कहाँ कह रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जब जब आएगी महंगाई लाएगी, 28% महंगाई दर आपकी 74 में थी, मनमोहन सरकार के समय में आपकी महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 11.99% थी, पीवी नरसिम्हा राव के समय में 11.79% थी, तो ये गलत कहां कह रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, एक मिनट, ऐसा इकोनॉमिक्स में, अभी अर्थशास्त्री बैठे यहाँ पे, वो भी एक्सप्लेन करेंगे, इकोनॉमिक्स में ऐसा आइसोलेशन में और ऐसा रिलेटिव नहीं देखा, आप रिलेटिव बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या था और रेट ऑफ सेविंग क्या था, 30% का रेट ऑफ सेविंग हमने 3% तक लाया है, अभी 5.2% तक लाया था, यानी पैसा सब खर्चा हो गया, क्योंकि आपने ही बताया अभी कि खाने पीने पर खर्चा कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर लोग हैं, खाने पीने पे खर्चा दो इंपैक्ट पे होता है, खाने पीने पे खर्चा कम होने से जब इनकम बढ़ता है अमीर लोगों का, तो खाने पीने पे खर्चा कम होता है, लेकिन उनके घर में 4-व्हीलर कार होती है, SUV होती है, और जब गरीब का खाने पीने पे खर्चा कम होता है, इसका मतलब उसका बाकी चीजों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सब टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए उस पे इंपैक्ट होता है। तो अतुल ये बताइए कि ये महंगाई मुद्दा बना पा रहे हैं आप, 2014 में बना था, लेकिन सिर्फ महंगाई नहीं था, बिल्कुल बन गया, सिर्फ महंगाई पर चुनाव, अदानी के टेम्पो में बैठ के महंगाई के साथ जा रहे हैं मोदी जी, लिख लो मेरे से ये। और मुझे एक बात, अहम बात यहाँ पे रखनी है, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट ले जाने की वजह क्या हुई है? ये बताती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है रेट, लेकिन कैसे डिसाइड करती है? तो अदानी के भाई यहाँ सारा मटेरियल भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, बाहर दुबई से लाते हैं, चाइना से लेते हैं, फिर दुबई से इंपोर्ट कराते हैं, उसका 1 रुपये की चीज 10 रुपया दिखाते हैं, वो उसका बोझा पड़ता है। फिर बाद में ये जो कोल जो लाया है इन्होंने, सस्ता वाला कोल महंगे में बेचा है, लो ग्रेड का कोल हाई ग्रेड में बेचा है, उसका बिजली का बिल जो बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है। नहीं, लेकिन एलईडी बल्ब दे दिया, जन औषधि केंद्र खुलवा दिए, आयुष्मान योजना में बीमा कवर दे दिया,
81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे दिया, पांच लाख ढाई लाख से इनकम टैक्स की रेट बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया। नहीं नहीं, थोड़ा लिंक मत तोड़े ना, एक 10 सेकंड। ऐसा है कि इतने से पेट नहीं भरा इनका, इतने से पेट नहीं भरा, क्योंकि साहब के अभी गरीबी दूर नहीं हुई थी अदानी की, तो फिर उन्होंने स्मार्ट मीटर लाया। स्मार्ट मीटर, सामान्य मीटर में 279 रुपए यूनिट आता था, 2.79 रुपए, अभी स्मार्ट मीटर में 4.29 रुपए यूनिट आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे अखबारों में भी छप के आया है गरिमा जी। तो एक दो टाइप की महंगाई होती है, एक नेचुरली रॉ मटेरियल का जब पैसा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, तो एक इंपैक्ट होता है उसका, और दूसरा है इंड्यूस्ड, गवर्नमेंट इंड्यूस्ड महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, तो ये गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है जिसका इंपैक्ट हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे हुआ, हमारे सेविंग पर हुआ। इन्फ्लेशन ठीक है, तो ठीक है, लेकिन सबसे खर्चा नहीं कर पा रहे, चुनावी जो मूवमेंट दिखता है।